को बताई, मैं उसके ऑफिस में काम करती हूँ। वो लड़कियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, उसने मुझे भी धोखे में फंसाया। आपको यकीन नहीं है, ये लड़की भी उनके ऑफिस में काम करती है। इसने भी अपनी जान दे दी सिर्फ इसी आदमी की वजह से। ओह माय गॉड, मेरे अब्बू का भी इंतकाल हो गया इनकी वजह से। प्लीज स्टॉप इट, नहीं करना है मुझे कोई रिश्ता अब यहाँ। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप, क्या हुआ? अब भी कोई जवाब बाकी है क्या? इसे पहचानते हो? ये आपको कहाँ? अंकल हम कहीं बैठकर बात करते हैं, आप आइए मेरे साथ। क्या तुम्हारा ख्याल है मैं अभी तुमसे बात करूंगा? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे ऐसे घर में रिश्ता भी नहीं करना है जहाँ तुम जैसे लड़के हो। अंकल आप क्या कह रहे हैं, मेरी बहन का क्या होगा, सोसाइटी में हमारी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। आप प्लीज मेरे साथ आइए ना, मैं बताता हूँ आपको। इज्जत? कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो तुम? तुम क्या जानो इज्जत होती क्या है? तुम जैसे घटिया लोग इज्जत की कीमत नहीं जानते। इधर आओ। एक नंबर के झूठे हैं ये, मक्कार लोग हैं अंकल। मेरी कंपनी के साथ 50 लाख का फ्रॉड किया है इन्होंने। झूठ बोलता है ये, मेरी बेटी ने इतनी बड़ी रकम नहीं ली है। ये गलत आदमी है, हमें मजबूर करता है गलत काम करने के लिए। बकवास बंद करो अपनी। बस अंकल आप प्लीज मेरे साथ आए, मैं आपको सब बताता हूँ, आप आइए तो मेरे साथ। नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी है, नहीं करना है मुझे ये रिश्ता। अंकल प्लीज जी क्या कह रहे हैं आप, चलो मैं आउट आओ। चलो मेरी बात तो सुन लीजिए आप। भाभी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अब हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। चलो भाई अंकल प्लीज, हमारी कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज मेरी बात तो सुने अंकल, मैं बताता हूँ आपको सारी कहानी। कहाँ जा रहे हैं आप? आंटी प्लीज यार, बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ये झूठ बोल रहे हैं। कौन हो तुम, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? एक नंबर की झूठी है ये, मक्कार है ये। चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। क्या दुश्मनी है तुम्हें मेरे बेटे से? मेरे जानबूझ के मैंने कुछ नहीं किया ये। सिर्फ इतनी सी गलती हो गई मुझसे, इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इनकी वजह से मेरा बाप भी दुनिया से चला गया है, मेरी इज्जत खतरे में, इस आदमी की वजह से। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही आंटी। अम्मी आप प्लीज मेरी बात सुने ना, ये झूठ बोल रही है, मक्कार है ये। झूठ बोल रहा, तुम जाओ बेटा, तुम लोग आराम से अपने घर जाओ, तुम्हें खुश नहीं होगा। Thank you.
मैं छोड़ूंगा नहीं मुझे। बेटा बस करो इरम, तुम तो बहुत बहादुर हौसलेमंद बच्ची हो ना। अम्मी कैसी बातें कर रही आप, सब फ्रेंड्स थी वहां पर मेरी, इंसल्ट हुई है मेरी। अलम भाई तो मेरे आइडियल थे, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि वो लड़की मेरे भाई के बारे में बात कर रही थी। आलम भाई हम सबको इतना बड़ा धोखा देंगे, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि जाने आलम मेरे मान को इस तरह से खाक में मिला देगा। मेरी तरबियत इतनी बुरी तो नहीं थी रम कि उसने ये सिला दिया मुझे। शर्म आई तुम्हें, एक बार भी शर्म आई तुम्हें सब कुछ करते हुए? डूब नहीं मरे तुम? अम्मी मैं चुप रहो। तुम इस हद तक गिर सकते हो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अरे तुम्हारी रूह नहीं कांपी? कभी ये नहीं सोचा तुम्हारी एक बहन भी है? इतने सारे लोगों के सामने मेरे साथ जो कुछ हो उसके बाद मेरा दिल चाह रहा है कि जमीन फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं। जिस बेटे पे मैं फख्र करती थी आज उस बेटे को अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। अम्मी वो झूठ बोल रही है, मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है वो, ये क्या? नहीं सोचा कि इस सब के बाद तुम्हारी बहन की शादी कैसे होगी, कौन उससे शादी करेगा? अम्मी मैं, आप मेरा यकीन करें, मैं, तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे उस लड़की और उसकी माँ की फरियाद पे पूरा यकीन है। और अब अगर तुम्हारा साया भी उसके दामन पर पड़ा ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, समझे तुम? क्या कह रही हैं आप, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तुम चुप रहो, शक्ल नहीं देखनी मुझे तुम्हारी। इससे पहले कि मैं अपना कुछ कर लूं मैं खुद ही यहां से चली जाती हूं। अम्मी चाबी दो। ये सर मैं चला। चाबी दो, दरवाजा खोलो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे ऐसे घर में रिश्ता भी नहीं करना जहां तुम जैसे लड़के होते हैं। कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो तुम? तुम जैसे घटिया लोग इज्जत की कीमत नहीं जानते। एक बार भी शर्म आई तुम्हें सब कुछ करते हुए? डूब नहीं मरे तुम? मुझे उस लड़की और उसकी माँ की फरियाद पर पूरा यकीन है। और अब अगर तुम्हारा साया भी उसके दामन पर पड़ा ना
तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। फोन उठा डैम इट। मुझे तो एरा बीबी पे बड़ा ही तरस आ रहा है। कल तक बेचारी बड़ी ही खुश लग रही थी। देखो तो सही हमारे आलम साहब को, दिखने में वो कितने शरीफ लगते हैं, मगर हकीकत जानकर तौबा तौबा, मेरा तो मुंह खुले का खुला रह गया। सच ही कहा है किसी ने, कभी भी किसी इंसान की शक्ल पे तो जाना ही नहीं चाहिए। अरे क्या पता अंदर से वो कैसा हो। मासी ये नाश्ता तो आलम भाई के कमरे में दे आएगी। नहीं भाई मैं तो नहीं जा रही, मुझे डर लगता है उससे। खैर अम्मा ने कह दिया अगले महीने से मैं कहीं और काम ढूंढ लूं। मेरे मंगेतर को पता चल गया ना तो एक आफत आ जाएगी, वैसे ही बहुत शकी है। अब सुन ये नाश्ता तू दे के आ जाना। मुझे माफ कर। Yes. आ जाओ। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? आ रही थी भाई। तो अंदर क्यों नहीं मरी आके? क्या काम है? नाश्ता नहीं करना था, हो जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मरियम। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, बहुत पछताओगी तुम। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मालिक कहां मर गए हो तुम? देखो बेटा, इज्जत तो अमीर की भी होती है और गरीब की भी। हमारा हरगिज ये मतलब नहीं था कि हम उसकी बहन का घर खराब करें। आप ये सब कुछ सोच के परेशान मत, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उससे आपकी जान छूट गई। अब वो मरियम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जहां तक मैं आलम सर को जानता हूं, वो इतना सब कुछ होने के बाद आराम से नहीं बैठेगी। उनके अंदर बदले का लावा उबल रहा होगा और वो जरूर आप लोगों से बदला लेने की कोशिश करेंगे। आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरे साथ मेरे घर शिफ्ट हो जाए? वहां पर वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नहीं भाई, आप तो पहले ही हमारी वजह से इतने परेशान रहे हैं। अजीब एहसानात आपके। मरियम तुम मेरी बहनों की तरह हो और बहनों की हिफाजत करना भाइयों का फर्ज होता है, एहसान नहीं। ठीक है, हम आपके साथ चलने को तैयार। ठीक है, आप अपना छोटा मोटा सामान जो भी है वो पैक कर लें, मैं कल आकर आप लोगों को ले जाऊंगा। ये अभी मैं जा। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह। अम्मी अगर जाने आलम ने हमें किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अब तो हमारे पास उसकी अम्मी का नंबर है ना, हम उनसे मदद ले सकते हैं। वो तो ठीक है बेटा,
लेकिन देखो वो माँ है। उस वक्त उन्होंने हमारी बात सुन भी ली और यकीन भी कर लिया और हमारी मदद भी की। हर बार तो वो हमारी मदद नहीं करेंगी ना। फिर हम दोनों का यहाँ अकेले रहना मुनासिब नहीं है। हमारे सर पे इस मर्द का होना बहुत जरूरी है। चलो उठो, जो थोड़ा बहुत सामान है बांध। आप प्लीज मेरी बात का यकीन करें अम्मी, वो लड़की मां मुझे सिर्फ बदनाम करने आई थी क्योंकि मैंने उसे फ्रॉड के केस में अंदर करवा दिया था। मैं ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकता जिससे मेरे खानदान या आपकी तरबियत पे कोई हर्फ आए। आप प्लीज मुझसे बात करें अम्मी, मेरे ना करदा गुनाह की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हैं आप मुझे? मैंने कुछ नहीं किया। और वो लड़की? वो कौन? वो तस्वीरों वाली लड़की कौन थी? वो क्या ताल्लुक था तुम्हारा उससे? वो एम्प्लॉय थी, वो मेरे ऑफिस में जॉब करती थी। और क्या? और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। सिर्फ दोस्त थी या कोई और रिश्ता भी था तुम्हारा उसके साथ? मैं बहुत पसंद करता था उसे, शादी करना चाहता था उससे। वो धोखेबाज निकली, किसी और को चाहती थी। मुझे लगा कि वो मेरे साथ सिंसियर है, लेकिन वो सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रही थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि चलो मैं अपनी अम्मी से मिलवाता हूँ तुम्हें, शादी कर लेते हैं। वो अचानक गायब हो गई। उसके बाद कुछ पता नहीं चला उसका, और उसने तुम्हारे दफ्तर की खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर ली। यही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। वो आई थी मेरे पास वापस, मुझसे कहने लगी कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, तुम अपना लो। अरे मैं क्यों अपना लूं उसे? मैं आपके सामने किस मुंह से लेके आता? मैंने साफ इनकार कर दिया। पता नहीं क्यों फिर उसने खुदकुशी कर ली। इन सारी बातों का मेरे पास कोई सबूत कोई दलील नहीं है, लेकिन मैं आपका आलम, आप प्लीज मुझ पर भरोसा करें, मैंने कोई गलती नहीं की। ठीक है, रखो अपनी बहन के सर पर हाथ और कसम खाओ उसकी। रखो उसके सर पर हाथ, डर क्यों रहे? तुम सच्चे हो ना? खाओ कसम अपनी बहन की। मेरी एक एक बात में सदाकत है, मैं अपनी बहन के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं। याद रखना जाने वाला, अगर तुमने झूठी कसम खाई तो उसका अजाब तुम्हारी बहन को भुगतना पड़ेगा।
कैसी बातें कर रही हैं आप? सिर्फ मेरी बहन नहीं है, इधर आओ, इधर आओ, मेरी बेटियों की तरह है। क्या लगता है आपको मैं इसकी झूठी कसम खाऊंगा? अम्मी मैं आपका आलम हूं, आपकी गोदों में खेला हूं, ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता जिससे आपकी तरबियत में जरा भी आ जाए। आप प्लीज मुझ पर भरोसा करें। वैसे ये गलती हुई है मुझसे, मैं आप लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स कभी शेयर नहीं की क्योंकि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। मैं आप दोनों का गुनहगार हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटा, ऐसा मत को गलती तुम्हारी नहीं मेरी, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? मैं माँ होकर तुम्हारे दिल का हाल न जान सकी, तुम्हारा दर्द न पहचान सकी। बेटा एक अनजान लड़की की बातों में आकर मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया। बेटा तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया, तुम्हें हाथ उठाया। नहीं आप माँ है मेरी, जन्नत है मेरी, आप सौ बार भी मुझ पर हाथ उठा सकती हैं। बस अगली बार इस तरह की कोई आवारा लड़की अगर मुझ पर उंगली उठाए आप उसका साथ ना दीजिएगा, आप मेरा साथ दीजिएगा। मैं आपका बेटा हूं, नहीं आपका बेटा हूं, आप हमेशा मुझ पर भरोसा रखें, मैं कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। I'm sorry भाई, हमने आपको गलत समझा। अरे नहीं बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, हालात ही ऐसे हो गए थे, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। नहीं भाई, अच्छा हुआ जो मेरी वहां शादी नहीं हुई, मैं ऐसे घर में कभी भी शादी करके नहीं जाऊंगी जहां मेरे भाई के कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाए। सॉरी भाई। मलिक का कुछ पता चला? तुम लोग इतने दिनों से क्या कर रहे हो? मुझे मलिक चाहिए किसी भी कीमत पर, उसे ढूंढो और उसे मेरी बात करवाओ। मलिक इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं है, कहां गायब हो गया है, ना फोन लग रहा है ना ही खुद से उसने मुझसे रابطہ करने की कोशिश की है। अगर मरियम को मिनिस्टर तक पहुंचाने में नाकाम हो गया था तो कम से कम मुझे इत्तला तो कर देता, कहीं मरियम और उसकी मां के यहां तक आने और मुझे जलील करने में मलिक का हाथ तो नहीं है। नहीं, मलिक मुझे धोखा नहीं दे सकता, मेरा बहुत पुराना आदमी है, मुझे अच्छी तरह जानता है कि मैं धोखा देने वाले को कभी माफ नहीं करता। जरूर वो किसी परेशानी में मुब्तला है जिस वजह से वो मुझसे रابطہ नहीं कर पाया, पर ये दोनों यहां तक पहुंची कैसे? बस यहां thank you.
आओ मरियम, ये दरवाजा बंद कर दे। इनकी किसी ने तो मदद की है, ऐसे तो ये दोनों यहां तक नहीं पहुंच सकती। फिर आखिर कौन है? आइए। ये आप लोगों का कमरा है और इस घर को भी अपना ही घर समझिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। शर्मिंदा मत कीजिए, अगर मैं पहले सर आलम से बगावत कर देता तो आज मेहरू और नसीर साहब जिंदा होते। अच्छा खैर छोड़ें, हमना के स्कूल से वापस आने का वक्त हो गया है, जब तक आप ये पूरा घर देख लीजिए। और हाँ, मैं स्कूल से वापसी पर आपके लिए खाना ले आऊंगा। ठीक है भाई, मेरा साइन किया हुआ एफिडेविट अभी भी जाने आर्म के पास है, इसकी वजह से मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तुम फिक्र मत करो, उसका भी कुछ ना कुछ करता हूँ। तुम परेशान मत हो। बेटा कराची कब जा रहे हो? जी कल सुबह की फ्लाइट है। बेटा भूल जाओ जो कुछ हुआ उसको, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। इतनी बड़ी जिल्लत को कैसे भूल जाऊं मैं? अब जानती है मैंने ये इज्जत कितनी मेहनत से बनाई थी। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में अब? भाई आपको लोगों की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लोग क्या समझते हैं क्या नहीं, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। ये बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आप माँ है ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। बेटा चाहे चोरी क्यों ना हो, माँ की नजरों में उससे ईमानदार और कोई नहीं होता। पता क्या अम्मी, मैं अपनी जात पे सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आप दोनों पर कोई आंच भी आई है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पर फिर भी मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया। आप दोनों को इतना रुस्वा होना पड़ा। अब कौन करेगा मेरी बहन से शादी? मिल जाएगा मुझे आप जैसा कोई शहजादा सलीम, बिल्कुल आप जैसे कर लेगा मुझसे शादी। प्लीज जब मुझे दुनिया की परवाह नहीं तो आपको क्यों है कि चेहरे पे ये उदासी अच्छी नहीं लगती? मेरे लिए एक बार मुस्कुरा दे। अगर तुमने झूठी कसम खाई तो उसका अजाब तुम्हारी बहन को भुगतना पड़ेगा। मुस्कुराए ना, ऐसे अच्छे लगते हैं। आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूं।
अबे क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मलिक भाई आप इस टाइम? हाँ, वो आलम सर ने कहा था एक फाइल लाने को। पर आलम सर तो घर गए हुए हैं मलिक भाई। हाँ, उन्होंने फोन कर दिया था। चले मैं आपको ऑफिस खोल के देता हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, गेट पर नजर रखो, चाबी मुझे दो। जैसे आपकी मर्जी मलिक भाई। अपने बंदों का किस किस तरह से इम्तिहान लेता है। इस बच्ची को देख लो, इतनी छोटी उम्र में इसकी मां चली गई, कितना बड़ा सदमा। सही कह रही हो। इसे देखकर तो मुझे अपने दुख बिल्कुल छोटे लगते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अरे वहां क्यों खड़े हो, अंदर आ। ये सो गई? जी अभी थोड़ी देर हुई है, आप ही का पूछ रही थी। ये लो मरियम, तुम्हारा एफिडेविट। अब आलम सर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरा शुक्र। मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी भाई। ये हासिल करना बहुत जरूरी था, मैं जानता हूँ। इसे वो तुम लोगों के खिलाफ जरूर इस्तेमाल करते, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो किसी हद तक भी गिर सकते। फिलहाल आज आपको हमारी वजह से जाने आलम से दुश्मनी मोड़ लेनी पड़ी। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं अपने जमीर और अपनी बेटी की खातिर कर रहा हूँ, और आलम सर से मैं नहीं डरता, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा ठीक है, तुम जाके मुंह हाथ धो, मैं खाना गर्म करती। जी। यार तेरा शुक्र। साहब आपने तो मिनिस्टर साहब के सामने जलील करके रख दिया, इतनी मुश्किल से राजी किया था मैंने उन्हें। अरे भाई अपनी नहीं तो मेरी जबान का कुछ पास रख लेते, ये भी कोई तरीका है? मतलब हमने बड़े टेंडर पास कराए भाई, बड़े बड़े मिनिस्टरों को खुश किया है, एक तरीका होता है। ये थोड़ी क्या आप टाले पे टाले जा रहे हैं, टाले पे टाले जा रहे हैं, अगला तो यही करे। साहब आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, वो लड़की इस्लामाबाद में मेरे घर तक पहुंच गई थी, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। मैंने खुद अपने आदमी से कहा था कि जाओ इसे जाके मिनिस्टर साहब के फार्म हाउस में छोड़ा। तो कुछ दिनों से देखिए साहब, आप रशीद को रशीद को बेवकूफ नहीं बना सकते। साफ साफ कहिए कि आपकी नीयत बदल गई उस लड़की के मामले में। मेरी नीयत क्यों बदल जाएगी? अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको आश्रय क्यों देता? वैसे भी जो चीज एक बार जाने आलम को पसंद आ जाती है वो उसी की होती है। बारा बात खरी, मेरी तरफ से तो माजरत समझिए, मैं आपके चक्कर में मिनिस्टर साहब से बिगाड़ के अपने बच्चों की रोटी रोजी भी लात नहीं मार सकता। ये क्या बात कर रहे हैं आप, मैंने तो हमेशा आपका ख्याल रखा है, आप इतनी जल्दी कैसे भूल सकते? कोई एहसान नहीं किया भाई, अगर आपने मुझे थोड़ा बहुत कुछ दिया भी है तो मेरी तरफ से भी आपको बड़े बड़े फायदे पहुंचे। अब इससे पहले कि मेरी कोई बात आपको बुरी लग जाए,
रशीद कुरैशी को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।